आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे स्काई ब्लॉक के अंदर जहां पे एक ट्री के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस वर्ल्ड में हम लोग बेसिक चीज जैसे कि कॉबलस्टोन भी नहीं कलेक्ट कर सकते, और तो इस वर्ल्ड में नेदर जाना और एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। तो अपना पहला गोल हम दोनों के लिए फुल्ली इंचांटेड डायमंड का आर्मर बनाना, अपना दूसरा गोल हम दोनों के लिए बहुत ही ऑसम सा घर बनाना एंड फाइनली विलेजर्स को क्योर करना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सारा कर पाए 100 डेज इन स्काई ब्लॉक टेक्नोलॉजी इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को ऑब्वियसली हम लोग स्पॉन हुए अपने स्काई ब्लॉक के ऊपर, और भाई चारों तरफ बस वॉइड था, और अपने सामने बस एक छोटा सा पेड़ था, और जैसे कि अपने पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो हमने जल्दी से थोड़े बहुत लॉक चॉप कर लिए। फिर यार इनफ लॉग होने के बाद हमने सारे सैपलिंग को कलेक्ट कर लिया, सारे लॉक्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। देन यार हमने दो शवल बना लिए क्योंकि पिकैक्स बनाने का कोई फायदा ही नहीं था, एंड देन हमने सारे सैपलिंग्स को कलेक्ट करके उसको प्लांट कर दिया। फिर यार इन्वेंट्री ओपन करने से हम लोग को एक क्वेस्ट बुक दिखा जो कि हम लोग को बताएगा कि आगे हम लोग को क्या करना है। और यार अगर हम लोग को माइनक्राफ्ट में अमीर बनना था तो इस क्वेस्ट बुक को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्वेस्ट देखा जो कि था लॉक कलेक्ट करना एंड उसके बाद थोड़े बहुत वुडन के टूल्स एंड आइटम्स बनाना। अब यार जैसे कि अपने पास स्टिक था तो हमने यहाँ पे जल्दी से वुडन का क्रूक बना लिया, और भाई वहाँ पे पेड़ के नीचे मस्त सो रहा था। और यार जब तक भाई यहाँ पे मस्ती कर रहा था तब तक मैंने थोड़े बहुत लीव्स काट लिए और मुझे सिल्कवर्म मिल गए। अब यार ये सिल्कवर्म हम लोग के दो काम में आने वाले, पहला तो हम लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रिंग मिल सकता है इससे, और दूसरा हम लोग इसको खा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग को अभी भूख नहीं लगी थी तो हम लोग को सिल्कवर्म नहीं खाना था, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत चेस्ट बना लिए और सारे फालतू के सामान को चेस्ट के अंदर रख दिया। फिर यार हम लोग को एक चीज नोटिस हुई कि अगर हम लोग पेड़ के सामने दौड़ते हैं ना तो ये पेड़ जल्दी बड़े होते हैं, तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत टोटका लगाया और यार अपना पेड़ बड़ा भी हो गया। एंड जैसे कि अपने पास वुड की काफी ज्यादा कमी थी तो हमने काफी सारे वुड कलेक्ट कर लिए। तो जैसे कि हम लोग रात को सो नहीं सकते तो पूरी रात हमने यहाँ पे वुड कलेक्ट किया एंड सुबह तक अपने पास एक स्टैक से भी ज्यादा वुड हो चुका था। और यार अपना प्लेटफॉर्म भी काफी छोटा था तो हमने सोचा थोड़ा बहुत स्लैब्स बना के अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करने का। तो सबसे पहले हमने लॉक से प्लैंक्स बना लिए, फिर हमने थोड़े बहुत यहाँ पे स्लैब्स बना लिए, फिर मैंने भाई को भी स्लैब्स दे दिए एंड अपना ग्रास को माइन कर लिया। अभी यार हमने ग्रास को इसलिए तोड़ लिया क्योंकि अपने पास यहाँ पे डर्ट नहीं था, और इसी डर्ट से बाद में हम लोग वुड फार्म बनाएंगे। प्लेटफॉर्म के टॉप लेयर को माइन करने के बाद हमने स्लैब से अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर लिया। तो यार फाइनली अपना आइलैंड यहाँ पे काफी बड़ा हो चुका था, और अब हम लोग यहाँ पे और भी सारे चीजें कर सकते हैं। मतलब यार पहले तो हम लोग सारे आइटम्स को भी नहीं बना पा रहे थे क्योंकि अपने पास जगह ही नहीं थी उनको प्लेस करने के लिए, बट अब हम लोग इजिली बना सकते हैं। लेकिन उन सारी चीजों को बनाने के लिए हम लोग को काफी सारे वुड की जरूरत पड़ेगी, एंड इसीलिए हम लोगों ने एक वुड फार्म बना लिया। फिर हमने दोबारा से अपना टोटका को यूज किया एंड अपने सारे ट्रीज यहाँ पे बड़े हो चुके थे, एंड हम लोगों ने इस ट्री को सिल्कवर्म से इन्फेक्ट कर दिया। अब यार क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद सारे लीव्स में सिल्कवर्म आ जाएंगे एंड इसके बाद हम लोग इसको माइन कर सकते हैं और स्ट्रिंग ले सकते हैं। सो भाई जब तक ये काम हो रहा था तब तक हम लोगों ने देख लिया कि और हम लोग को क्या क्या बनाना चाहिए, एंड हम लोगों ने सारी चीजों को बना लिया। और मेनली हम लोगों ने एक बैरल, एक क्रूसेबल और एक वुडन बकेट बना लिया। अब यार क्रूसेबल में अगर हम लोग यहाँ पे लीव्स देते हैं या तो हम लोग सैपलिंग्स देते हैं तो हम लोग को पानी मिल जाएगा, और बैरल में हम लोग अगर लीव्स देते हैं तो हम लोग को यहाँ पे डर्ट मिल जाएगा। तो यार ऐसे करके हम लोग इन्फिनाइट डर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और हम लोग को डर्ट की कमी नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप सबको बताया कि पैरिस ओलंपिक शुरू हो रहे हैं और हमारे इंडियन स्पोर्ट्स रेडी इस बार मेडल्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, इन्हीं की तरह मैं भी रेडी टू ब्रेक द रिकॉर्ड एंड विन विद खेलोस्टार। पर कैसे? तो ऐसा है कि खेलोस्टार जो कि इंडिया के बेस्ट स्पोर्ट्स एक्शन साइट है, उस पे इस ओलंपिक्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग एक्सेट्रा, जिसमें अप टू 1 करोड़ विनिंग चांस, बस सिंपल क्वेश्चन जैसे कि मैच का स्कोर, प्लेयर की परफॉर्मेंस और मैच का आउटकम गेस करो और जीतो बंपर कैश। इसके अलावा खेलोस्टार पे 3000 प्लस इंस्टेंट विनिंग गेम्स भी है जिनको खेल के तुम कुछ मिनटों में लाखों की कमाई कर सकते हो, और आने वाले क्रिकेट सीरीज जैसे कि द 100 वुमेन्स एशिया कप भी दबा के कमाओ। ऊपर से खेलोस्टार पे इंस्टेंट विड्रॉल फीचर से सारी विनिंग्स बैंक अकाउंट में निकालो इन जस्ट 60 सेकंड्स। रजिस्टर करने के साथ ही तुम्हें 100% वेलकम बोनस मिलेगा अप टू 1 लाख ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, साथ ही रिलोड बोनस, रेफरल बोनस और वीकली न्यू फोन्स एंड गेमिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। साइट 100% सेफ और सिक्योर है, और हां रजिस्टर करना भी इजी है। सिंपली कमेंट में दिए लिंक से रजिस्टर करो, अमाउंट डिपॉजिट करो, बोनस क्लेम करो और जितना शुरू करो। और हां कमेंट में दिए लिंक से रजिस्टर करने से पाओ फ्री 5 पिंस जिनको फ्री में यूज करके जीतो रियल रिवॉर्ड, बट हां ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो देर मत करो अभी रजिस्टर करो ऑन खेलोस्टार एंड जीतो हर गेम पे बड़ा। देन यार सुबह तक सारे लीव्स यहां पे इन्फेक्ट हो चुके थे जिसको हम लोगों ने क्विक से माइन कर लिया, और काफी सारे हमने स्ट्रिंग कलेक्ट कर लिए। और भाई हम लोग थोड़े ज्यादा ही स्ट्रिंग कलेक्ट कर लिए, मतलब अपने पास यहां पे ऑलमोस्ट 8 या 9 स्टैक ऑफ स्ट्रिंग थी, एंड इससे हमने दो स्ट्रिंग मेश और दो बेड बना लिए। जब यार मैं यहाँ पे भाई को स्ट्रिंग मैच दे रहा था तो मुझे एक चीज नोटिस हुई कि अपने पास यहाँ पे पानी भी आ चुका है, और फिर मैंने बकेट से पानी को कलेक्ट किया एंड अब अपने पास इनफिनाइट सोर्स ऑफ वाटर था। फिर यार जितने भी अपने पास डर्ट थे उसको हम लोगों ने शिव यानी कि छन्नी में छान लिया, और हम लोग को काफी सारी चीजें मिल गई। और जैसे कि डर्ट बहुत ही इजिली सैपलिंग को माइन करने से मिल जाती है, तो हम लोगों ने काफी सारे डर्ट को छान लिया, और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे सैपलिंग थी, काफी सारा सीड था एंड बहुत सारा शुगर केन था। एंड यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत पेबल्स मिल गए जिससे हम लोगों ने कॉबलस्टोन बना लिया। फिर हमने एक फर्नेस बना लिया एंड उसको प्लेस करके सारे लॉक को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। थोड़ी देर के बाद सारे लॉक्स अपने यहाँ पे स्मेल्ट होकर चारकोल बन चुके थे जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया, और टॉर्चेस बना के अपने पूरे आइलैंड को लाइट अप कर दिया।
एंड अब यार होपफुली अपने आइलैंड में कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होंगे। देन यार इसके बाद हमने अपने क्वेस्ट बुक को ओपन किया जिसमें अभी भी बहुत सारी चीजें करनी बाकी थी। लाइक यार अभी भी हम लोग को एक हैमर बनाना था जिससे हम लोग कॉबलस्टोन को माइन कर सकते हैं और उससे हम लोग को ग्रेवल मिल सकता है। तो हमने जल्दी से यहाँ पे दो स्टोन के हैमर बना लिए, सारे कॉबलस्टोन को प्लेस कर दिया और उसको माइन करके ग्रेवल ले लिया। फिर यार हमें एक बात पता चली कि ग्रेवल को माइन करके हम लोग सैंड कलेक्ट कर सकते हैं और सैंड से हम लोग डस्ट बना सकते हैं और डस्ट की हम लोग को काफी ज्यादा जरूरत थी। तो जल्दी से हमने थोड़े बहुत यहाँ पे डस्ट बना लिए और उसको बैरन में रख के हम लोगों ने यहाँ पे क्ले बना लिया। एंड यार अब क्ले एंड बोन मिल को मिला के हम लोग एक सब्सटेंस बना सकते हैं जिससे हम लोग क्रूसेबल बना सकते हैं। तो पूरी रात बैरन में पानी भरने के बाद हमने यहाँ पे सारे क्ले को कलेक्ट कर लिया एंड उसको एक बार माइन कर लिया क्ले बॉल्स के लिए। अब यार अपने पास क्ले तो था लेकिन अपने पास यहाँ पे बोन मिल ही नहीं था एंड उसके लिए हम लोग को काफी सारे सैपलिंग चाहिए होंगे। तो हमने बहुत सारे वुड माइन कर लिया और काफी सारे सैपलिंग कलेक्ट कर ली। फिर यार हमने कॉम्पोस्टर में सारे सैपलिंग को दिया एंड उससे हम लोगों ने बोन मिल बना लिया। इन बोन मिल कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे पोर्सिलाइन क्ले बना लिया जिससे हम लोगों ने एक क्रूसेबल बना लिया। अब यार ये एक अनफायर्ड क्रूसेबल है जिसको हम लोग को फर्नेस में देना पड़ेगा और उसके बाद ये फायर्ड क्रूसेबल बन जाएगा। एंड अब यार इसमें हम लोग कॉबलस्टोन रख सकते हैं और उसके नीचे हम लोग टॉर्चेस रख सकते हैं और उससे हम लोग को लावा मिल सकता है। तो जल्दी से हमने यहाँ पे टॉर्च रख दिया एंड इसके बाद फायर क्रूसेबल को प्लेस करके इसके अंदर हम लोगों ने कॉबलस्टोन भी रख दिया। पर यार काफी देर वेट करने के बाद भी ये हम लोग का लावा नहीं बना था एंड इसके बाद हम लोग को पता चला कि ये ऐसे लावा बनता ही नहीं है। मतलब हम लोगों ने दोबारा से एक बार नूब हरकत करती, इसको लावा बनाने के लिए हम लोग को इसके नीचे कैंप फायर प्लेस करना पड़ेगा एंड जल्दी से हम लोगों ने यहाँ पे कैंप फायर बना लिया और उसको प्लेस कर दिया। एंड अब यार ये थोड़ी देर के बाद लावा बन जाएगा। तो जब तक ये लावा बन रहा था तब तक हम लोगों ने थोड़े बहुत यहाँ पे स्लैब्स बना लिए एंड अपने आइलैंड को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। एंड यार ये आइलैंड हम लोग का ट्री फार्म एंड फूड फार्म होने वाला है क्योंकि मेन आइलैंड में हम लोग के पास जगह बचा ही नहीं है। तो अपने दोनों आइलैंड यहाँ पे बन के हो चुके थे रेडी एंड यार अब हम लोग फाइनली यहाँ पे घूम सकते हैं और अपने पास काफी बड़ा एरिया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने सारे अपने डर्ट ले लिए एंड चले गए ट्री फार्म बनाने के लिए। तो यार अपना ट्री फार्म एंड वुड फार्म दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। तो यार इसके बाद अपना लावा भी यहाँ पे हो चुका था जिसको हम लोगों ने वुडन बकेट से कलेक्ट करने की कोशिश की लेकिन यार हम ही लोग जलने लगे। फिर मैं जल्दी से पानी के अंदर गया लेकिन जब भी मैं बाहर निकलता था तब भी मैं जलने लगता था। एंड इसके बाद मुझे पता चला कि जैसे कि ये एक वुडन बकेट है तो इसके अंदर से लावा लीक करता है इसलिए मैं जल रहा था। और भाई अच्छा हुआ कि ये बात हम लोग को पता चल गई क्योंकि थोड़ी देर बाद पता चलती ना तो हम लोग मर जाते। देन यार हमने अपने क्वेस्ट बुक को चेक किया और वहां से हम लोग को पता चला कि अब हम लोग को एक कॉबल जन बनाना है लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी और इतनी सारी चीजें रखने के लिए अपने पास जगह ही नहीं था। तो जल्दी से हमने एक स्टोरेज रूम बनाना शुरू कर दिया। तो यार अपना स्टोरेज रूम यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। लाइक लिटरली यार यहाँ पे काफी सारे चेस्ट थे जिसमें हम लोग सब कुछ रख सकते हैं। तो यार आप जरूर बताना कमेंट में कि आपको ये स्टोरेज रूम कैसा लगा। अब ये जैसे कि अपने पास लावा था तो हम लोग कोई कॉबलस्टोन जनरेटर बनाना था तो जल्द से हम लोगों ने प्लैंक को रिप्लेस करके यहाँ पे कॉबलस्टोन लगा लिया और एक जनरेटर बना लिया। एंड यार इसी बीच हम लोग को एक प्लेसिंग टेक्निक के बारे में पता चले जो कि ये मॉड में अवेलेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी कर देता है ब्लॉक्स प्लेस करने में। तो यार कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के बाद हमने यहाँ पे खूब सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए। देन यार हमने जैसे एक बार ट्राई किया कि ग्रेवल को शिव करने से हम लोग को क्या मिल सकता है और उससे हम लोग को कॉपर मिल गया था। पर यार ये कॉपर बहुत ही ज्यादा अजीब सा था तो जल्दी से इसको हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया ये चेक करने के लिए कि इससे क्या मिलता है एंड इससे हम लोग को एक कॉपर का इनगट मिल गया था। तो भाई इसके बाद जल्द से हमने काफी सारे और ग्रेवल कलेक्ट कर लिए और बहुत सारे शिविंग करने लगे। और भाई शिविंग करते हम लोग को पता चला कि इससे हम लोग को सिर्फ कॉपर ही नहीं बहुत सारी चीजें मिल सकती है। लाइक लिटरली हम लोग को काफी सारे आयरन मिल गए, बहुत सारा कॉपर मिल गया एंड यहाँ तक कि हम लोग को टिन एंड लेड भी मिल गया था। तो जल्द से हमने सारे आयरन को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। स्मेल्ट होने के बाद हमने पूरा आयरन को कलेक्ट कर लिया एंड एंड्रोसाइट के एलॉय बना लिए और अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लिए। और भाई हमने एंड्रोसाइट का एलॉय इसलिए बनाया था कि एंड्रोसाइट का एलॉय से हम लोग बाद में और भी काफी सारे चीजें बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे। तो यार सबसे पहले तो हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे केसिंग बना ली क्योंकि हम लोग को एक मैकेनिकल प्रेस बनाना था एंड उससे हम लोग को आयरन को प्रेस करना था। तो यार इसके बाद सारे हम लोगों ने एसेंशियल चीजें बना ली जैसे कि हम लोगों ने शार्ट बना लिए, कॉकव्हील बना लिया एंड एक मैकेनिकल प्रेस बना लिया। फिर एक स्मॉल वाटर व्हील से पावर जनरेट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मिलर प्रेस बना लिया जिससे हम लोग अपने आयरन को एंड कॉपर को प्रेस कर सकते हैं। पर यार ये काफी ज्यादा स्लो था इसलिए हम लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक सा पावरफुल मशीन बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट था। देन इसके बाद हमने अपने सारे कॉपर प्लेट्स को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम लोग चले गए एक मशीन बनाने के लिए। अब यार इन कॉपर शीट से हम लोग को फ्लूइड पाइप बनाना था जो कि हम लोग के वाटर को सप्लाई करेंगे कॉबलस्टोन जनरेटर से जिससे हम लोग को कॉबलस्टोन मिलेगा। लेकिन यार इस कॉबलस्टोन जनरेटर को बनाना ना इजी नहीं था, इसके लिए हम लोग को बहुत कुछ चाहिए था लेकिन हमने सारी चीजों को एक एक करके बना लिया। फिर यार सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद हमने अपने कॉबलस्टोन जनरेटर को बनाना शुरू कर दिया।
तो यार हम लोग का ये बन क्यों चुका था रेड, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। लाइक लिटरली यार यहाँ पे गियर्स है जो कि हम लोग के एक्वेस एक्यूमुलेटर जो कि पानी को कलेक्ट करता है उसको पावर देता है, एंड उसके बाद ये पानी पाइप से होते हुए कॉबलस्टोन जनरेटर में जाते हैं। और आप जो ये ब्लॉक्स देख रहे हो जिनसे हम लोग के फ्लूइड पाइप कनेक्ट हो रहे हैं उनको स्टोन बैरल्स बोलते हैं, जो कि लावा एंड वाटर को कंबाइन करके यहाँ पे कॉबलस्टोन बनाता है और चेस्ट में कलेक्ट कर लेता है। और यार ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इजिली बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट होते रहेंगे और हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर यार जब तक यहाँ पे कॉबलस्टोन कलेक्ट हो रहा था तब तक हम लोग चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन माइन करने के लिए। और जब थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पे कॉबलस्टोन को चेक करना है तो हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन थे। और यार इतने सारे कॉबलस्टोन देख के तो हम लोग चुपचाप बैठने नहीं वाले, एंड इसलिए हम लोगों ने सोचा यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बनाने का। तो सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद हमने अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो भी अपना एक्सी फार्म यहाँ पे बंद हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम कर रहा था क्योंकि अपने पास इस आइलैंड में स्पॉन होने के लिए और जगह ही नहीं है, एंड इसलिए यार सब मॉब अपने एक्सी फार्म में स्पॉन हो रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। तो इसके बाद थोड़ी देर तक हमने मॉब्स को मारा और एक्सपी कलेक्ट किया। और यार अपनी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है कि पहले विद से हम लोग को पोर्शन ऑफ हीलिंग मिल गया। और भाई इसी के साथ ही साथ हम लोग के यहाँ पे आइलैंड में एनिमल्स भी स्पॉन हो चुके थे जो कि थे काउज एंड शीप, जो कि बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले हैं। और जैसे कि एक आइलैंड इनके लिए बना था तो हमने यहाँ पे जल्द से थोड़े बहुत फेंसेस बना लिए और उस आइलैंड को घेर लिया। देन इसके बाद हमने शीप्स एंड काउज को लाया और इनको इनके अंदर रख दिया, एंड अब अपने पास शीप्स एंड काउज भी है जो कि बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले हैं। फिर यार इनको हमने ब्रीड करवा दिया क्योंकि काउज से हम लोग को लेदर मिल सकते हैं और शीप से हम लोग को वुल मिल सकते हैं जिससे हम लोग बेड बना सकते हैं। देन यार अपने प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हमने क्वेस्ट बुक को ओपन किया, एंड हमने देखा कि अब हम लोग को राफ्ट आयरन बनाना है, एंड इसको बनाने के लिए हम लोग को कैंप फायर के ऊपर आयरन रखना था। और जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा इजी था तो हमने काफी सारे यहाँ पे कैंप फायर बना लिए और सारे आयरन को कैंप फायर के ऊपर स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड फिर यार अपने यहाँ पे राफ्ट आयरन भी बन चुका था जो कि हम लोग को बाद में बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है बहुत ही खतरनाक बिल्ड्स बनाने के लिए। अब यार हम लोग को फायर क्ले चाहिए था क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फायर क्ले ब्रिक्स से थोड़े बहुत कोक ओवन बनाने थे। तो हमने यहाँ पे फायर क्ले ब्रिक्स को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया, इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत मॉब्स मारने के लिए। और यार मॉब्स मारते मारते हम लोग को एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था जिसको हम लोगों ने बोट पे बैठा दिया, इसको हम लोग बाद में क्योर कर सकते हैं। तो यार इसी बीच अपने यहाँ पे फायर क्ले ब्रिक्स पे स्मेल्ट हो चुका था जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया, एंड इसको हम लोगों ने फायर क्ले ब्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन हम लोग चले गए यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो नेदर पोर्टल बनाने के बाद जब हम लोग इसको एक्टिवेट करने लगे तो यार अपना नेदर पोर्टल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। मतलब भाई कोई वर्ल्ड में ये अपने साथ पहली बार हो रहा था, हम लोग को कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत देर तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये पता चला कि इस वर्ल्ड में नेदर पोर्टल डायरेक्टली चालू ही नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आपको काफी सारे टास्क करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको मिल्की वे टारगेट नाम का एक चीज मिलेगा जिससे आप नेदर जा सकते हो एंड एंड जा सकते हो। एंड इस चीज को बनाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ना कि हम लोग को 100 दिन के हमें 1000 डेज भी दे दिए ना फिर भी हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो नेदर और विलेजर को क्योर करने की उम्मीद छोड़ के हम लोग चले गए यहाँ पे एक कोक ओवन बनाने के लिए, क्योंकि यार इससे हम लोग को थोड़ा बहुत कैल्साइट मिल सकता है और बहुत सारा चारकोल मिल सकता है। तो यार अपना कोक ओवन यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जिसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे आयरन भरते हैं ना तो हम लोग को स्टील मिलेगा, एंड यार स्टील यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है हम लोग को फ्यूचर में काम करने के लिए क्योंकि इससे हम लोग बहुत ही औसम चीजें बना सकते हैं। लेकिन यार सिर्फ स्टील से नहीं होगा, हम लोग को यहाँ पे और एक ओवन चाहिए था जिससे हम लोग को यहाँ पे कैरोसाइट ब्लॉक मिल सकता है, एंड उससे हम लोग ट्रीटेड वुड प्लैंक्स बना सकते हैं जिससे हम लोग एक ऐसा फार्म बना सकते हैं जो कि हम लोग को इजिली पोटैटो जनरेट करके देगा। तो भाई जब तक हम लोग का सारा काम हो रहा था तब तक हम लोग ऐसे ही सैंड को शिफ्ट कर रहे थे और उससे हम लोग को डायमंड मिल गया था। यार मतलब भाई ये तो हम लोग को पता भी नहीं था, जस्ट हम लोग तुक्के में ऐसे शिफ्ट कर रहे थे और हम लोग को यहाँ पे डायमंड मिल गया। तो इसके बाद हमने काफी सारे और सैंड कलेक्ट कर लिए और सबको हमने शिफ्ट कर दिया और अपने पास इन टोटल यहाँ पे 52 डायमंड हो चुके थे। देन यार हमने सारे यहाँ पे डायमंड को कलेक्ट कर लिया और हम लोगों ने सारे डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना लिया। फिर यार मैंने टूल्स एंड आर्मर्स भाई को भी दे दिया, मैंने भी रख लिया, एंड अब अपने पास डायमंड का टूल्स एंड आर्मर्स था। और भाई अब होपफुली कोई भी मॉब हम लोग को मार नहीं पाएगा। अब यार थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे ऑलमोस्ट बकेट ऑफ क्रियोसोट रेडी हो चुका था, तो जल्द से हमने काफी सारे बकेट ले लिए एंड बकेट ऑफ क्रियोसोट कलेक्ट कर लिए। फिर यार उससे हम लोगों ने 8 ट्रीटेड वुड प्लैंक्स बना लिए जो कि हम लोग को बाद में काम आएंगे। अब यार इस चीज से हम लोग बिग फार्म बनाने वाले हैं जिससे हम लोग को इन्फिनिटली पोटैटोज यहाँ पे जनरेट होते रहेंगे। तो जल्द से हमने यहाँ पे एक लार्ज फार्म के ब्लॉक को ले लिया, फिर हम लोगों ने एक जंगल सैपलिंग को प्लेस कर दिया एंड उसके ऊपर हम लोगों ने रबर मशीन को प्लेस कर दिया। तो यार इस मशीन को एक्चुअली आर्बोरियल एक्सट्रैक्टर कहते हैं, लेकिन भाई ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नाम है इसलिए हम लोगों ने इसको प्रोनाउंस ही नहीं किया। तो बेसिकली ये आपको रबर ला के देता है जिसको आप मिक्सर में ला सकते हो और मिक्सर में एक बार मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे ट्रीटेड रबर ले सकते हो। फिर यार इसके बाद क्योर्ड रबर के आप यहाँ पे प्लेट्स बना सकते हो, उसको टिन फॉइल के ऊपर रख सकते हो एंड आपको टिन वायर मिल जाएंगे।
और भाई हमें पता है कि ये सब बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, चिंता मत करो, हमें भी कुछ नहीं समझ में आया था। तो अब सिंपल में समझो कि ये सब चाहिए हम लोग को यहाँ पे लार्ज फार्म बनाने के लिए, जो कि हम लोग को पोटैटो जनरेट करके देगा एंड हम लोग को फार्मिंग नहीं करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें कर ली, मशीन को भी सेटअप कर लिया एंड कोड भी दे दिए। तो यार इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए ना हम लोग को बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि यार इसमें इतना कुछ था कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन भाई ये वर्थ इट था, क्योंकि ये अपने आप यहाँ पे पोटैटोस जनरेट कर रहा था, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी। अब यार हम लोग को कभी भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद हमने थोड़े बहुत बेसिन्स ले लिए, थोड़े बहुत यहाँ पे कॉगविल ले लिए एंड एक मैकेनिकल प्रेस ले लिया एंड हम लोगों ने यहाँ पे सीड से ऑयल निकाल लिए। तो यार ये ऑयल हम लोग को जरूरी है विलेजर को क्योर करने के लिए एंड इसलिए हम लोगों ने जल्दी से ये कलेक्ट कर लिया। फिर यार हमने देखा कि अपने पास कोई घर ही नहीं है एंड इसलिए हम लोगों ने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। तो यार काफी देर के बाद अपना घर यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। तो यार बाहर से तो ये अच्छा लग ही रहा था, लेकिन यार अंदर जाओगे ना तो ये और भी ज्यादा मस्त लगता है। और इसके गेट पे भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा हुआ था, जो कि था सब्सक्राइब टू लॉर्ड इन गेमिंग, क्योंकि 1 मिलियन सून यार। और यार इसी बात पे जल्दी जल्दी अभी सब्सक्राइब करो एंड यार 1 मिलियन करवा दो भाई। सो अंदर में यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे चेस्ट थे, अपना बेडरूम था एंड ऊपर में हम लोग यहाँ पे ब्रूइंग स्टेशन बनाने वाले, लेकिन अपने पास अभी ब्रूइंग टेबल ही नहीं है तो हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते। तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा, 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे। तो यार अब हम लोग को विलेजर को क्योर करना था, लेकिन यार हम लोग नेदर तो जा नहीं सकते, इसका मतलब हम लोग ब्लीज रॉड भी कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यार ब्लीज पाउडर कलेक्ट करने का और एक तरीका था। तो एक बेसिन के अंदर हमने यहाँ पे लावा रखा और स्लाइम बॉल्स भी फेंक दिए, फिर हमने लिड से इसको बंद कर दिया एंड यार तब तक हम लोगों ने देखा कि अपने पास यहाँ पे कितने सारे पोटैटोज हैं। और यार जब हम लोग पोटैटोज लेने गए ना, तब मैंने गलती से एक बार बेसिन को राइट क्लिक कर लिया था एंड उससे मुझे यहाँ पे मैग्मा क्रैम मिल गया था। फिर हमने उस मैग्मा को बेसिक सेंट्रीफ्यूज में रख दिया, जिससे हम लोग को यहाँ पे स्लाइम बॉल एंड यहाँ पे ब्लेज रॉड मिल गया था। मतलब हम लोग को ब्लेज पाउडर मिला था, लेकिन उस ब्लेज पाउडर को हम लोग ब्लेज रॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रोंज बना लिया, जिसको हमने जल्दी से केसिंग में कन्वर्ट कर दिया एंड ये हम लोग को जरूरत पड़ेगा विलेजर को क्योर करने के लिए। मतलब यार विलेजर को क्योर करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत, मैं तो कहीं कभी ना करूं। तो भाई मैंने जल्दी से यहाँ पे थोड़े बहुत पोशंस बना लिए, इसको पोशंस दे दिया और गोल्डन एप्पल खिलाने के बाद अब ये विलेजर क्योर हो जाएंगे। तो थोड़ी देर तक वेट करने के बाद हमने दोनों विलेजर यहाँ पे क्योर हो चुके थे, जिसको हमने बाद में शिफ्ट कर दिया। एंड देन हम लोग को थोड़ी बहुत इंचैनमेंट करनी थी, तो हम लोग चले गए यहाँ पे काउस के पास एंड शीप्स के पास एंड काफी सारे हमने काउस को मार लिया। मतलब भाई हम क्या करें यार, काउस को मार के हम लोग को लेदर मिलता है ना, और उससे हम लोग सिर्फ इंचैनमेंट कर सकते हैं। फिर यार हमने थोड़े बहुत यहाँ पे शुगर केन्स ले लिए, जिसको हमने पेपर्स में जनरेट कर दिया एंड यहाँ पे बुक्स बना के बुक शेल्स बना लिए। देन हमने अपने इंचैनमेंट टेबल को सेटअप कर लिया, उसके बाद अपने पास काफी सारे लेवल्स भी थे और अपने पास यहाँ पे लैपिस भी थे, जिससे हम लोगों ने अपना इंचैनमेंट को शुरू कर दिया। और ये जैसे कि अपनी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए हम लोग को बहुत ही बेकार इंचैनमेंट्स मिल गए थे, लेकिन काफी बार इंचैनमेंट्स करने के बाद हम लोग को यहाँ पे खतरनाक इंचैनमेंट्स मिल गए। अब यार अपने पास एकदम ही लेजेंडरी वाले इंचैनमेंट्स तो नहीं है, लेकिन अपने पास पूरे आर्मर में यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है एंड यार अपने पास टूल्स में यहाँ पे एफिशिएंसी एंड शार्पनेस है एंड इससे हम लोग एंडर ड्रैगन को डिफीट तो कर लेते, लेकिन यार हम लोग एंडर ड्रैगन के पास जा ही नहीं सकते ना। फिर भाई इन विलेजेस को देख के हमें बहुत ही ज्यादा दया आ रही थी, क्योंकि यार ये बोर्ड में बैठ बैठ के ना थक जाएंगे एंड इसीलिए हम लोग चले गए इनके लिए एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। तो भी अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। लाइक यार लिटरली ये बहुत ही बड़ा था एंड यार यहाँ पे विलेजर्स बहुत ही इजिली रह सकते हैं एंड इनमें तो हमने यहाँ पे वॉल्स भी लगा दिए थे, जो कि थे डायमंड्स के। मतलब यार लिटरली ये COC के वॉल्स लग रहे थे। और जैसे कि सोने की यहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे बेड भी लगा दिए थे, जैसे कि आराम से सो पाए। मतलब देख रहे हो यार कितने अच्छे बंदे हैं हम लोग, विलेजर की कितनी ज्यादा हम लोग केयर करते हैं। तो भाई इसके बाद हम लोग दो यहाँ पे बैकपैक बना लिए, जो कि हम लोग का एज अ शेल्टर बॉक्स काम करेगा, बट इसके पास बहुत ही ज्यादा स्पेस है। तो यार ऐसे हमारे 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। हमें तो वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आया, आपको कैसा लगा कमेंट डाउन कर जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा ओपी है। तब तक के लिए बाय।